नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा चार की शिक्षक डायरी हमें कैसे फिल करनी है। ये होगी आपकी 27/6/2022 से 2 जुलाई 2022 तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, तभी आप सही से समझ पाएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना, अन्य साथियों के लिए वीडियो शेयर करना। इससे पहले कि आपने शिक्षक डायरी नहीं देखी है नवीन शैक्षिक सत्र 2022-23 की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से कक्षा चार के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखेंगे 27/6/2022 की शिक्षक डायरी में क्या भरना है। यहाँ देखेंगे कक्षा चार विषय में सभी विषय डाल देंगे, और यहाँ लर्निंग आउटकम व चयन पर जिसमें कार्य करना है यहाँ रहता है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संचित एवं स्पष्ट विवरण यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम मौखिक भाषा विकास में देखेंगे प्रार्थना सभा और साफ सफाई बच्चों की चेक करना। सहायक शिक्षक सामग्री में हम जीके क्वेश्चन बच्चों को याद कराएंगे, यहाँ से हमसे आंसर पूछेंगे। पाठ्य पुस्तक फुलवारे की जो हिंदी किताब है उसका अपने आप 1 डीजे की डायरी, बच्चों से आज ये पाठ सुनेंगे, पहले ही पढ़ा चुके हैं। और टेक्स्ट बुक पर होमवर्क देना, उक्त पाठ याद करके आना बच्चों को कहेंगे। मध्याह्न भोजन अंक जगत में हम देखेंगे तो अवरोही क्रम समझाना रहेगा, और संख्या कार्डों से हम बच्चों को समझाएंगे अवरोही क्रम क्या होता है। इसके बाद क्लास वर्क में हम कॉपी पर काम देंगे और होमवर्क भी देंगे। अंग्रेजी में देखेंगे लेसन 3 मैजिक वर्ड्स, इसकी एक्सरसाइज कराएंगे आज। और EVS में पाठ 4 भोजन बच्चों के लिए पढ़ाएंगे पाठ। छात्र कौशल विकास में खेल हो जाएगा खो खो, और लास्ट में क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा और बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं दिनांक 28/6/2022 में, देख लेते हैं हमें यहाँ क्या फिल करना है। कक्षा चार विषय में सभी विषय मौखिक भाषा विकास में हम देखेंगे तो प्रार्थना सभा गतिविधि का आयोजन करेंगे आज। सहायक शिक्षक सामग्री में हम देखेंगे तो पुस्तकालय कॉर्नर का प्रयोग करेंगे, यहाँ से बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए किताबें देंगे। पाठ्य पुस्तक फुलवारी में देखेंगे अपने आप 1 डीजे की डायरी, इस पाठ का आज इमला लेखन कार्य रहेगा। टेक्स्ट बुक पर होमवर्क देना, उक्त पाठ का याद करने के लिए कहेंगे। मध्याह्न भोजन, उसके बाद अंक जगत में देखेंगे अवरोही क्रम समझाना रहेगा, और संख्या कारणों से हम बच्चों को समझाएंगे। क्लास वर्क कराएंगे इस पे और होमवर्क भी देंगे, ठीक है। अंग्रेजी में हम देख लेते हैं लेसन 3 मैजिक वर्ड्स, इसका एक्सरसाइज अभी चल रहा है। EVS में पाठ 4 भोजन बच्चों के लिए आज भी पढ़ाएंगे पाठ ये। अब आता है छात्र कौशल विकास में बच्चों से गीत कहानी कविता सुनना रहेगा, और लास्ट में क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत हो जाएगा कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा, बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 29/6/2022 में, देख लेते हैं क्या लिखना है हमें। यहाँ कक्षा चार विषय में सभी विषय, और यहाँ देखेंगे तो मौखिक भाषा विकास में प्रार्थना सभा योगा और व्यायाम बच्चों से कराएंगे। सहायक शिक्षक सामग्री में आज सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे। पाठ्य पुस्तक फुलवारी से पाठ 6 प्रारंभ करेंगे आज हाँ में हाँ, बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ का लिंक भी आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पाठ ही दे सकते हैं, पढ़ाना रहेगा। टेक्स्ट बुक पर होमवर्क देना रहेगा। मध्याह्न भोजन, उसके बाद अंक जगत में पाठ 6 गुणा सिखाना रहेगा, और क्लास वर्क में कॉपी पर सवाल देना रहेगा, होमवर्क देंगे। इसके बाद अंग्रेजी में लेसन 3 द मैजिक वर्ड्स, इसकी जो वर्क बुक है आपकी स्प्रिंग कक्षा 4 की, उसका पेज संख्या 46 निकालेंगे, इसी पार्ट से रिलेटेड कार्य है वो हम कराएंगे। EVS में पार्ट 4 को सुनेंगे, जो भोजन नाम से पाठ है उसके लिए सुनेंगे। छात्र कौशल विकास में चित्रकला में आज बैट और बॉल का चित्र बनवाना रहेगा बच्चों से। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा और बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं दिनांक 30/6/2022 में, देख लेते हैं क्या लिखना है। यहाँ कक्षा 4 विषय में सभी विषय अंकित कर देंगे। मौखिक भाषा विकास में देखेंगे तो प्रार्थना सभा और साफ सफाई बच्चों की चेक करना रहेगा, बच्चों को चेक करेंगे। सहायक शिक्षक सामग्री में देखेंगे पुस्तकालय कॉर्नर का प्रयोग, कहानी पठन कार्य करेंगे। पाठ्य पुस्तक फुलवारी से पाठ 6 हाँ में हाँ पढ़ाना रहेगा, और टेक्स्ट बुक पर होमवर्क देना व चेक करना रहेगा। अब आता है मध्याह्न भोजन, उसके बाद अंक जगत से पाठ 6 चलेगा, गुणा सिखाना रहेगा बच्चों के लिए आज। क्लास वर्क में हम काम कराएंगे, इसके बाद होमवर्क में भी सवाल देंगे। अंग्रेजी में लेसन 3 मैजिक वर्ड्स, इसकी जो वर्क बुक है उसका पेज संख्या 46 पे कार्य कराएंगे। EVS से पाठ 4 भोजन, भोजन के प्रकार आप बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद छात्र कौशल विकास में खेल हमारा हो जाएगा आज खो खो। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा और बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं दिनांक 1 जुलाई 2022 के लिए क्या देखना है, क्या लिखना है। कक्षा में 4 विषय में सभी विषय, मौखिक भाषा विकास में देखेंगे प्रार्थना सभा गतिविधि का आयोजन करेंगे, और शिक्षण सहायक सामग्री में पोस्टर चर्चा, किसी भी तरह का पोस्टर हम ले सकते हैं,
और बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक फुलवारी में देखेंगे पाठ 6 हाँ में हाँ सुनेंगे या ई की मात्रा वाले शब्द लिखवाना रहेगा। टेक्स्ट बुक पर होमवर्क देना रहेगा, चेक करना रहेगा। अब आता है मध्यान्ह भोजन, उसके बाद अंग जगत में पाठ 6 गुणा सिखाना रहेगा, बोर्ड पर सवाल हल करवाना रहेगा। क्लास वर्क में कॉपी पर सवाल देना रहेगा, होमवर्क में सवाल देना रहेगा। इसके बाद अंग्रेजी में देखेंगे लेसन 3 मैजिक वर्ड्स, वर्क बुक पेज संख्या 47 पर कार्य कराएंगे। संस्कृत का द्वितीय पाठ रहेगा आज, इसके बाद का बोध प्रथम, इस पाठ का रिवीजन कराएंगे। और छात्र कौशल विकास में गीत कहानी कविता बच्चों से सुनेंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा, बच्चे सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं, इसके बाद सप्ताह का लास्ट दिन रहेगा ये 2/7/2022 में क्या देखेंगे, क्या लिखना है। कक्षा में 4 विषय में सभी विषय, मौखिक भाषा विकास में प्रार्थना सभा, योगा व्यायाम का आयोजन करेंगे, व्यायाम कराएंगे। और सहायक शिक्षक सामग्री में जीके क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछेंगे। पाठ्य पुस्तक फुलवारी से पाठ 6 हाँ में हाँ सुनेंगे, बच्चों सुनेंगे व ई की मात्रा वाले शब्दों का इमला इसी पाठ से बोलेंगे। टेक्स्ट बुक पर होमवर्क देना रहेगा, मध्यान्ह भोजन, उसके बाद अंक जगत में देखेंगे पाठ 6 गुणा सिखाना रहेगा, संख्या कार्ड के माध्यम से बच्चों को गुणा सिखाएंगे। क्लास वर्क में कॉपी पर सवाल देंगे और होमवर्क में भी सवाल देंगे। अंग्रेजी में हम देखेंगे लेसन 3 मैजिक वर्ड्स, इसकी वर्क बुक पेज संख्या 47 पर कार्य कराएंगे। संस्कृत में द्वितीय पाठ है वाक्य बोध प्रथमा सुनेंगे। इसके बाद छात्र कौशल विकास में देखेंगे तो चित्रकला, गमले की आकृति में रंग भरवाना रहेगा। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा और बच्चे सीख रहे हैं। तो ये थी कक्षा 4 की शिक्षक डायरी इस सप्ताह की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक